पंचायत कौराहा में छत पर खेल रहे बच्चे 11,000 वोल्टेज के तार के चपेट में आने से 3 बच्चे झुलस गए। आपको बता दें, मछली शहर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कौराहा में छत के समीप से गुजरे 11,000 वोल्ट के विद्युत तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए। तीनों को नाजुक अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें, खेलते हुए बच्चे तार के संपर्क में आ गए थे, इसके बाद तीनों विद्युत करंट की चपेट में आकर झुलसने लगे। जब तक परिजन मौके पर पहुंचते, तब तक तीनों 80% तक झुलस चुके थे। लोगों ने पावर हाउस फोन करके लाइन कटवाई। घटना की सूचना मौके पर वरिष्ठ उप निरीक्षक राम प्रवेश कुशवाहा और कस्बा इंचार्ज को दी गई। मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज व उप निरीक्षक ने बच्चों को अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों से इस बात को लेकर आक्रोश है कि बार बार शिकायत करने पर भी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने तार नहीं हटाया। कई साल बीत गए, आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस ने पावर हाउस का घेराव करने से मौके पर पहुँच कर रोका। इसके बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को हटाया। मौके पर पहुंचे उप जिला अधिकारी व क्षेत्राधिकारी मछली शहर लोगों को समझा बुझाकर घर के लिए रवाना किया और उसके घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे उप जिला अधिकारी क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल की जांच की और लोगों को इंसाफ और न्याय की। कौन सा है बराबर दिया गया होगा हम लोग जी सर। हमारी ये मांग है, मृतक कौन कौन है, उनका नाम क्या है? हमारी मृतक कौन है, उनका नाम क्या है? कुछ न कुछ मदद करे। जो मृतक है, हाँ, जो मरे उनका नाम क्या है और कौन कौन? मृतक कौन कौन? परी और प्रिंस। सर मृतक कौन कौन? परी और प्रिंस। वो हम देख सकते हैं, प्रयास करेंगे। वो नहीं कह रहा आप, बुलाई बस।
गरीब आदमी कितने चलो साथ रहता चलना, अब ज्यादा सफाई मत बोले काम करें, अभी देख ले आप लोग, ठीक है आपके छोटे छोटे हम लोगों को भी ठीक है ना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, हम देखते जी सर। हेलो भाई, हाँ सर, कितनी हमारी गाड़ी उधर सोरत लेने गया, चलो चलो अपनी गाड़ी तुम बैठो, चलो वो कौरा गई पुलिस, चलो बहुत तेजी चला, कहा है कैट गियर वो लगा दिया है, आप देख सकते हैं उनके आवास पर पूरी प्रशासन की टीम और पत्रकार की टीम मौके पर मौजूद है, आप देख सकते हैं विवेक चौरसिया जी आगे जाते हुए, देखिए पूरा ब्लड गिरा हुआ है, लाइव के माध्यम से देखिए मौके पर प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है और उनके आवास पर आई हुई जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, लाइन पहले की मौके पर प्रशासन मौजूद, पलक झपकते ही जो है लोहे का डंडा और ये चीज सब की उसके लिए था, दो तीन यही राज है सामने का, यही कहा कि जो है 11,000 वोल्टेज से जो लोग आते हैं उनको बिजली विभाग की तरफ से 5,00,000 रुपये दिया जाता है और हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और आज रिपोर्ट लगाने के लिए बोले कल हम रिपोर्ट लगा देंगे कल। आपका सब नाम भैया? दयाशंकर कनौजिया। आप बच्चे का क्या है? बच्चे के हम गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं आप? ठीक है, ग्रामीण हैं। ठीक है,
कौन से गांव में? और लाइट उसके ऊपर से गई थी, उसी कोई सुरक्षित नहीं। और 18 गांव में, हाँ, तीन बच्चे थे, एक ही फैमिली के थे सब, और वहाँ से 11,000 लोग छत के ऊपर डाल, वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो खेलते खेलते लोहे का रॉड था, लोहे का रॉड ऊपर गया, तीनों बच्चे को पकड़ लिए, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई, दो एडमिट है वहाँ सदर। दो की मौत हुई, एक की मौत हुई, एक की मौत हुई, अभी दो लोग मतलब क्या चल रहा है। और यहाँ पे सरकारी तक हम लोग पहुँचे, वहाँ एम्बुलेंस, मौके पे एम्बुलेंस नहीं आई, वो जा नहीं रहा था लेके, पहली बात पुलिस कर्मचारी लोग खुद ही नहीं आए, पहुंची है। उसके बाद सर जो तार है वो फैला हुआ, कर्मचारी कर्मचारी लोग सो रहे, देख लेंगे उसको अंदर करना है। क्या आप मांग करते हैं? तार चाहिए, बिजली विभाग ठीक करानी चाहिए, उसको बांधा हुआ है जो सही से, उसको बांधना नहीं चाहिए, चेंजर लगवाना चाहिए गांव में। बहुत एप्लीकेशन है, हम लोग न्याय चाहेंगे तभी हटेंगे। एम्बुलेंस वाले को बोल रहे थे, एम्बुलेंस वाला हेलो करूंगा, हमको भी कष्ट, तुम्हारा इतनी मदद होगी हम करेंगे, उसके लिए संकल्प ले रहा हूँ, मदद करेंगे। ओके सर, रोड जाम किए मुकदमा लिखूंगा, रोड जाम नहीं करेंगे, रोड जाम किया तो मुकदमा लिखूंगा, यहाँ हम लोग बता दे रहा हूँ, रोड जाम नहीं करेंगे हम लोग, पीछे उठो लेकिन सर सुनो, उनके खिलाफ मुकदमा मैं लिखूंगा, लेकिन रोड जाम किया तो मैं तुरंत तुम लोग खिलाफ मुकदमा लिखूंगा, तुम्हारा भी लिखूंगा और मैं खुद माजी बन के मुकदमा लिखूंगा। थाने पे तहरीर तो मैं मुकदमा लिखूंगा, चाहिए चार पांच लोग आइए केवल तहरीर दीजिए, मैं मुकदमा लिखता हूँ, अगर सर नहीं होगा, अगर सर नहीं मिलेगा फिर आएंगे। हाँ आपसे निवेदन है, बिल्कुल करूँगा, हाईवे पे खड़ा करके।